हेलो, मैं स्वादा लोधी। इस वीडियो को देखने सुनने वालों को प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। इस वीडियो में बात करेंगे भारत के अंदर राजनीतिक सेकुलरिज्म के ढोंग पर। आपने अक्सर देखा होगा और सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि भारत एक सेकुलर देश है। और दूसरी चीज, आपने देखा भी होगा कि सेकुलरिज्म का सबसे ज़्यादा समर्थन भारत का वो मुस्लिम गिरोह जिसमें भारत के मुस्लिमों की 96% या 100% जनसंख्या आ जाती है। उसके बाद में वो लोग जो खुद मुस्लिम नहीं है पर वैचारिक तौर पर खुद को सेकुलर कहते हैं, वामपंथी कहते हैं, लेफ्ट कहते हैं, लिबरल कहते हैं, कभी कभी बुद्धिजीवी कहते हैं और कभी कभी खुद को समाजवादी या सोशलिस्ट बताते फिरते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी भारत के अंदर कम्युनल राइट होते हैं, खास करके हिंदू और मुसलमानों के बीच में, तो वैसे तो सेकुलरिज्म के नाम पर जो भारत की बहुत प्रसिद्धि विदेशों में की गई है, और दूसरी चीज़ के भारत को हमेशा सेकुलर देश बताया जाता है, तो ऐसे वक्त पर, ऐसे दंगों के वक्त पर हिंदू और मुस्लिम दोनों की बात समान तौर पर होनी चाहिए। पर यदि आपने गौर किया होगा कि समाचार पत्रों में, मीडिया हाउस में या सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बाद में राजनीतिक गलियारों में, सामाजिक आर्थिक गलियारों में, ऐसे कम्युनल राइट्स के वक्त पर सिर्फ मुसलमानों की बात की जाती है। ये बताता है कि भारत का सेकुलरिज्म सिर्फ मुसलमानों, इस्लाम, शरिया के इर्द गिर्द बना है, उसके आसपास वो चल रहा है, जो हकीकत में सेकुलरिज्म के ढोंग को उजागर करता है। परंतु भारत का जो हिंदू है, जिसे राजनीतिक समझ नहीं है, जिसने डर और शर्म दोनों के कारण अपने धार्मिक अनुष्ठानों को, धार्मिक चिन्हों को और धार्मिक आस्थाओं को छोड़ दिया है, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता है कि सेकुलरिज्म के नाम पर उस पर शरिया इस्लामिज्म थोपा जा रहा है, और मुसलमान सेकुलरिज्म की आड़ में भारत के अंदर छुपा हुआ सिविल वॉर चला रहे हैं। जिस तरह से आपने 2021, 2022, 2023 रामनवमी, दीपोत्सव, हनुमान जयंती, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश विसर्जन जैसे हिंदुओं के धार्मिक प्रसंगों पर, जयपुर में हिंदुओं के सामाजिक पारिवारिक प्रसंग जैसे कि शादी समारोह जैसी चीज़ों के ऊपर मुसलमानों ने मुस्लिम बस्ती में से निकलकर छोटी सी बात के ऊपर झगड़े का बहाना बनाया, हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजी की, और ये पत्थरबाजी कई दिन तक जारी रखी। परिणाम क्या हुआ? वहाँ के स्थानिक जो पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था है, उन्होंने हिंदुओं के ऊपर सामाजिक, मानसिक, राजनीतिक, कानूनी तौर पर दबाव डाला कि हिंदू अपने धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या राष्ट्रीय पर्व के दौरान जो जुलूस निकालते हैं वो उस पर प्रतिबंध लगाएं या स्वयं लगाएं या तो फिर उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही करके ऐसे सामाजिक जो जुलूस निकलते हैं, राजनीतिक जुलूस निकलते हैं, धार्मिक जुलूस निकलते हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। ये हकीकत में बताता है कि भारत के अंदर सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं के ऊपर राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी, इस्लामिक और आर्थिक तौर पर हिंदुओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, हिंदुओं को पीछे धकेला जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और वैचारिक जो प्रवृत्तियां हैं उनको सीमित करे, या तो चुपचाप इस्लाम अपना ले, या तो संविधान और सेकुलरिज्म के नाम पर इस्लामिक प्रभाव में जीने के लिए तैयार रहे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुस्लिम और सेकुलरिज्म के नाम पर जो पार्टियाँ अपनी राजनीति जारी रखती हैं और जो अमानवीय संगठन हैं,
वो सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि एक दिन आएगा कि जब ये लोग खुलकर कहेंगे कि आप मुस्लिमों के साथ में रहना चाहते हैं तो मुस्लिमों को टैक्स दीजिए, सरकार को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के अंदर कई जगह पर ऐसी चीज़ें हो रही होंगी, और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि शायद आप लोगों को ऐसी घटनाओं का अनुभव हुआ होगा। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिस तरह से गुजरात में जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, 1990 के और 80 के दशक की बात है, तब कोई भी मुस्लिम एरिया से लगा हुआ हिंदू एरिया होता था तो वहाँ पर नियमित दंगे होते थे, और उसका उद्गम बिंदु हमेशा अहमदाबाद का दरियापुर होता था। और उस टाइम पर मुस्लिम गुंडे किसी भी हिंदू व्यापारी की दुकान पर जाकर उगाही करते थे, जैसा कि आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा सुना होगा, बिहार में देखा सुना होगा कि व्यापारियों को उगाही के लिए धमकी दी जा रही है। बस फर्क इतना है कि वहाँ पर कोई हिंदू अपराधी होता है तो पुलिस तो उसका एनकाउंटर करती है, तो उसको कंट्रोल में करती है, परंतु जब मुस्लिम होता है उस जगह पर तो पुलिस वाले भी इंटरफेयर करते नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से शायद भारत में वो परिस्थिति आने की तैयारी में है कि आप हिंदू भारत सरकार को या राज्य सरकार को या स्थानिक स्वराज्य की जो संस्थाएं हैं उनको टैक्स देने की जगह अपनी जान, इज्जत, संपत्तियों की रक्षा के लिए मुसलमानों को जजिया देना चालू कीजिए, प्रोटेक्शन मनी देना चालू कीजिए। शायद वो दिन धीरे धीरे आने की तैयारी में है, क्योंकि, और मैं इसलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 साल में भारत के अंदर सोशल मीडिया पर, सामाजिक मंचों पर, राजनीतिक मंचों पर, राजनीतिक डिबेटों के दौरान मुस्लिम एरिया, मुस्लिम बहुल इलाका, इस्लामिक इलाका जैसी थियरी प्रस्तुत की जा रही हैं उसको स्वीकार करने के लिए हिंदुओं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और ऐसे वक्त पर जब हिंदू मुस्लिम के कौमी राइट्स होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, तब हिंदुओं के ऊपर पुलिस कार्यवाही करती है, और जबकि सबसे पहले वहाँ पर मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ कार्यवाही कर चुका होता है, वो भी इस्लामिक। इसलिए मैं हिंदुओं को कहूँगा कि यदि आपको भारत में सुरक्षित रहना है, भारत को आर्थिक और राजनीतिक विश्व गुरु बनाना है, तो सबसे पहले आपको सेक्युलरिज्म, इस्लामोफोबिया जैसे शब्दों से अपने आप को बचाना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, या उसके लिए कानून लाकर आप उनके ऐसे शब्दों के ऊपर प्रतिबंध लगाइए जो भारत में मुस्लिमों के द्वारा हिंदुओं के ऊपर किए गए अत्याचारों को छुपाने के लिए एक प्रोटेक्शन ढाल, एक सुरक्षात्मक कवर की तरह काम करते हैं। और ये दो शब्द सबसे ज़्यादा चलते हैं, सेक्युलरिज्म और इस्लामोफोबिया के नाम पर। और उसके बाद में आती है गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, आपसी सौहार्द, सद्भावना और सेक्युलरिज्म, वो जो मैं आपको पहले कह चुका हूँ, उनका ऐसे शब्दों का, ऐसे बनावटी शाब्दिक समूहों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि भारत में हिंदुओं का राजनीतिक आर्थिक विभाजन अभी भी किया जा रहा है, और इसमें अभी तक जो अगुवाई कांग्रेस करती थी, अब उसकी जगह भारत में मुसलमानों ने, इस्लामिक पार्टियों ने, जैसे कि हैदराबाद की मवीसे की पार्टी जो अपनी राजनीतिक सभा मंचों के ऊपर से मुस्लिम और दलित, मुस्लिम और आदिवासी जैसे राजनीतिक गठबंधनों की बात करते हैं, ये हकीकत में हिंदुओं के अंदर डिवाइड करो और उनको फिर काटो या तो मतांतरित करवा दो। इसलिए हिंदुओं के ऊपर बहुत सारे हमले जारी हैं, और आप अपने मन से ये चीज़ सबसे पहले निकाल लीजिए कि भारत में आपसी सौहार्द और शांति है,
मैं जो देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जिस चीज़ का मैं अवलोकन विश्लेषण कर रहा हूँ, भारत के अंदर भारत का मुस्लिम हिंदुओं के ऊपर छुपा हुआ जिहाद चला रहे हैं, हर राज्य में चला रहे हैं, हर शहर में चला रहे हैं, हर जिले में चला रहे हैं, हर प्रांत में चला रहे हैं, यहाँ तक कि हर गली में चला रहे हैं। आपने ये कश्मीर में देखा है, बंगाल में, राजस्थान में, केरल में चल रहा है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और अपने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर जगह ये चीज़ चल रही है। कहीं लैंड जिहाद चल रहा है, कहीं लव जिहाद चल रहा है, कहीं पर थूक जिहाद चल रहा है, कहीं आर्थिक जिहाद चल रहा है। ये सारे जिहाद जो मुस्लिमों को हिंदुओं के ऊपर आर्थिक तौर पर एक विजेता की तौर पर रखते हैं, और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान सबसे पहले हिंदुओं के ऊपर इस तरह से पड़ता है कि हिंदुओं की आर्थिक परिस्थिति बिगड़ना चालू हो जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप जिस राज्य में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ पर देखिए 10 साल पहले और 10 साल बाद, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, या आपके स्कूल, अस्पताल या सरकारी जो ऑफिस हैं, वहाँ पर आपको या तो मुस्लिम व्यापारी या मुस्लिम व्यवसायी जो भी हैं वो सबसे ज़्यादा अभी दिखेंगे, और वहाँ पर यदि गलती से कोई हिंदू दिख गया तो वो आपके साथ में डरते डरते बात करेगा, या तो ऐसा ही कहेगा, हम सब मिलकर मिलजुल कर यहाँ पर काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। जबकि 10 या 12 साल पहले ये परिस्थिति नहीं थी, मुस्लिम रिक्शा चलाते हुए आराम से दिखता नहीं था। आज वो हालत है, ज़्यादातर रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, एयरपोर्ट के बाहर इस्लामिक जो व्यापारिक एक इकोसिस्टम बन चुका है, उसमें हिंदुओं के लिए जगह नहीं है, एंट्री नहीं होती है। तो अगर गलती से ही कोई हिंदू वहाँ पर अपना व्यापार स्टार्ट कर देता है तो थोड़े समय के बाद में या तो वो आर्थिक नुकसान, या तो मार पिटाई, या जान के खतरे, दुकान जलाने जैसी घटना के कारण वहाँ से पलायन कर जाता है। तो मैं हिंदुओं को यही बात कहूँगा कि सबसे पहले आपको सेक्युलरिज्म, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब जैसे राजनैतिक जुमलों से दूर रहना चाहिए, इस्लामोफोबिया जैसे शब्दों से दूर रहना चाहिए, और आपको काउंटर करना सीखना पड़ेगा। आप राजनैतिक काउंटर भी कीजिए, आर्थिक काउंटर भी कीजिए, और सामाजिक तौर पर काउंटर करना जारी रखिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका उन्मूलन इस धरती के ऊपर से, जो भारत की धरती है उसके ऊपर से उन्मूलन होना आपका तय है, निश्चित है, और इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी जो न्यायपालिका है, कानून व्यवस्था है, जो आपकी राजनीतिक व्यवस्था है, जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है, जो आपकी आर्थिक व्यवस्था है, उसके अंदर इस्लामिस्ट घुस चुके हैं, और उसमें बैठे हिंदू आपको समर्थन देने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए ना तो राजनीतिक तौर पर, ना तो कानूनी तौर पर सक्षम है। और मैं एक चीज़ छोटी सी बता देता हूँ कि जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, तब बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम अफसर थे, कर्मचारी थे, उनको पता था कि इस मीटिंग के दौरान जो जो चीज़ें हुई हैं, बात की गई है, उसका जो परिणाम आएगा वो क्या होगा, पर वो लोग अपनी सरकारी नौकरी और जो वचनबद्धता थी उसमें फंस के रह गए। और बाद में आपने देखा कि बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ और लाखों हिंदुओं की कत्लेआम किए गए, लाखों हिंदू महिलाओं के साथ में बलात्कार किए गए, और बाद में इतिहास में उन घटनाओं को भुला दिया गया। और आज वो परिस्थिति है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर, इस्लामोफोबिया के नाम पर, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नाम पर, और गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर भारत के अंदर 1947 के बाद में और 1947 से पहले मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं के खिलाफ किए गए जनसंहारों की कभी भी चर्चा नहीं होती है, उनके इतिहास को खंगाला नहीं जाता है, उनके ऊपर राजनीतिक सामाजिक चर्चा करने से बचा जाता है, और लोगों को यदि चर्चा करने से रोकना होता है तो इस्लामोफोबिया शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है। नफरत फैलाना, अहिंसा, सॉरी, असहिष्णुता बढ़ाना, और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के बीच में दरार बढ़ाना जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके इन वास्तविक इतिहास को चर्चा के लिए सामने लाने से रोका जाता है। इसलिए हिंदुओं, आप स्वतंत्र हैं समझने के लिए, और मुझे पूरा यकीन है हिंदू बहुत समझदार है, इसलिए असहिष्णुता का जो उसके ऊपर तमगा लगा के रखा है
जबकि परिस्थिति उसके विपरीत है, जब उसके ऊपर हमला होता है फिर भी वो ये ऐसे जो राजनीतिक तमगे हैं उनको झेलकर भी जी रहा है, और भारत के अंदर जो शांति बनी हुई है वो शांति भारत की जो पहचान है, वो पहचान भारत का जो लोकतंत्र और संविधान है, वो लोकतंत्र और संविधान के लिए सिर्फ हिंदू जिम्मेदार है। और जिस दिन हिंदू 65% से नीचे हुआ किसी एक राज्य में या भारत के अंदर, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को खो देंगे और आपके पास में भारत से पलायन या भारत की भूमि पर अपना खुद का खून बहाने से कोई भी परिस्थिति आपको नहीं रोक पाएगी। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदुओं को राजनीतिक तौर पर जागृत होना पड़ेगा, अपने मूल धर्म, मूल सांस्कृतिक विरासत के करीब जाना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों ने, सेक्युलरों ने, जो लिबरल हैं, वामपंथी हैं, उन्होंने आपको अपने धर्म से दूर कर दिया है, आपको अपने वास्तविक इतिहास से दूर कर दिया है, आपको राजनीति करने से वंचित करने चालू कर दिया है। जिस तरह से बीजेपी के ऊपर हमेशा एक दबाव बनाया जाता है कि वो एंटी मुस्लिम पार्टी है, पर बीजेपी काउंटर नहीं कर पाती है, ना हिंदू काउंटर कर पाते हैं। जहाँ तक मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदुओं को सामूहिक तौर पर बीजेपी को वो शक्ति देनी चाहिए कि वो काउंटर कर सके, कि वो बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो खुलकर बोलें राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, कि भारत में मुस्लिम तृप्तिकरण, मुस्लिम तुष्टिकरण की जो राजनीति है उसके कारण हिंदुओं को और भारत को आर्थिक और राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक तौर पर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, और हिंदुओं के जनसंहारों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कभी किसी ने उसकी नोंद नहीं ली है और उसकी समीक्षा करने से बचते आ रहे हैं। इसलिए मैं हिंदुओं से फिर से कहूँगा, जब भी आपके पास में चुनाव का मौका आता है, मतदान का मौका आता है, तो आप सस्ते, मुफ्त रोजगार, महंगाई जैसी चीज़ों की जगह अपनी खुद की सुरक्षा, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा, अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर वोट कीजिए। और ये चीज़ आपको सिर्फ अभी एक ही पार्टी में मिलती है, वो है बीजेपी, और बीजेपी के ऊपर दबाव बनाइए कि वो सेक्युलरिज्म की जो अफीम है उसको ना चाटे, ना सूंघे, ना उसके करीब जाए। इसकी जिम्मेदारी हम जैसे हिंदुओं की है, और वो शक्ति सिर्फ हमको चुनाव के दौरान मिलती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप जो बीजेपी को देंगे तो बीजेपी से आप मांग सकते हैं दबाव बनाकर, क्योंकि हमें मुसलमानों से पत्थरबाजी नहीं सीखनी है, हमें गले काटना नहीं सीखना है, हम सिर्फ मुसलमानों से अपने वोट की कीमत वसूल करने की जो टेक्निक सीख जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और भारत में किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि हिंदुओं के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक जुलूसों, प्रसंगों के ऊपर एक कंकर मार सके। धन्यवाद।